क्या आपने कभी सोचा है कि एक दिन में एक इंसान दो या दो से ज्यादा चीजों के दरमियान कितनी बार फैसला करता है? मैं बताऊं, पूरे 3,500 मरतबा। सुबह उठने से शाम सोने तक बड़े छोटे 3,500 टॉपिक्स हैं जिनमें आपने फैसला करना है। जी हाँ, फैसला करना जितना आसान दिखता है उससे कई गुना ज्यादा मुश्किल है। जब आपको भूख लगती है तो क्या आप मेरी तरह कोई एक डिश को सबसे अच्छा बनाने वाले रेस्टोरेंट्स को तरजीह देते हैं? पर अगर वो रेस्टोरेंट्स में एक इंसाइक्लोपीडिया जैसा 20-30 पेजेस का मेन्यू हो तो हम सब लजीज डिशेज में से फैसला करने में बहुत परेशान हो जाते हैं या बहुत टाइम भी लेते हैं कि भाई कौन सा लें। क्या आप जानते हैं कि हमें हर रोज खाना खाने के लिए 200 से ज्यादा बार फैसला करना पड़ता है? डिजाइन और टेक्नोलॉजी की दुनिया भी इसी तरह कई सारे ऑप्शंस के दरमियान कोई एक फैसला करने पर मजबूर है। आपको क्या लगता है कि माघ भैया हमेशा ये ग्रे टी शर्ट क्यों पहन के रखते हैं? मैं बताऊं, लाइफ में फैसला करने के लिए ढेरों ढेर चीजों में से एक को कम करने के लिए साइंटिस्ट इंसान के इस अजीबोगरीब फिनोमेना को एक नाम दे चुके हैं, हिक्स लॉ, जिसका मतलब है हमारी चॉइसेस के साथ साथ हमें जो वक्त मिला है फैसला करने के लिए, यानी कि टाइम ड्यूरेशन, वो भी बढ़ता जाएगा। हत्ता अगर आप हद से ज्यादा चॉइसेस लेंगे तो आप कोई भी डिसीजन नहीं कर पाएंगे। हिक भाई के इस कानून को साबित करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया जो कि फिर खाने से मुतल्लिक है। ये एक सुपरमार्केट थी, इसके दो मुख्तलिफ कोनों में दो मुख्तलिफ स्टैंड्स रखे गए। एक स्टैंड के ऊपर 24 जैम के डिब्बे, एक स्टैंड के ऊपर 6 जैम के डिब्बे। 24 जैम के डिब्बे के स्टैंड के सामने से गुजरने वाले 100 अफराद में से 60 ने आकर वो जैम के डिब्बे देखे और उनमें से सिर्फ 3% लोगों ने खरीदारी की। इसके बरक्स दूसरे स्टैंड पर, यानी कि 6 जैम रखे जाने वाले स्टैंड पर, सिर्फ 40 ने आकर वो जैम के डिब्बे देखे, बट उनमें से 30% लोगों ने वो जैम के डिब्बों की खरीदारी की। क्यों? क्योंकि ऑप्शंस कम थे, लेस इज मोर, कम होने की वजह से वो डिब्बे ज्यादा बिके। टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी इसी हिक लॉ को यूज करते हुए कई सारी कॉर्पोरेशंस अपनी सेल्स बढ़ाती हैं, जिनमें से एक जाना माना नाम एप्पल का भी है। जी हाँ, एप्पल हमें इतनी ज्यादा चॉइसेस में नहीं डबोती और गिने चुने प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें फैसला करना आसान हो जाता है, तभी उनकी सेल्स भी शूट करती हैं। मुझे यकीन है कि फ्यूचर में भी इंसान के लिए चॉइसेस को कम रखने वाले प्रोडक्ट्स, डिजाइंस, सॉफ्टवेयर्स, टेक्नोलॉजीज ज्यादा से ज्यादा वैल्यूएबल होंगी। आपको हैरानी होगी कि इन सब की फर्स्ट हैंड एग्जांपल्स हमारे सामने मौजूद हैं ऑलरेडी, जैसे कि गूगल फीड या गूगल असिस्टेंट हमारे फैसला करने से पहले ही इनवैल्यूएबल चॉइसेस को एलिमिनेट करके हमारे फैसले करने के टाइम को किसी हद तक कम कर देता है, या फिर स्मार्ट थर्मोस्टेट डिस्क जो कि हमारे पहले लिए गए एक्शन से रिलेट करते हुए खुद से ही रूम का टेम्परेचर सेट कर सकता है। अब हर रोज 3,500 मुख्तलिफ टॉपिक्स पर फैसला करने के बारे में तो आप जान चुके होंगे, पर क्या आप जानते हैं कि यही नंबर बच्चों के लिए सिर्फ 3,000 है? जी हाँ, ये भी हम एडल्ट्स के क्यों इतने स्ट्रेस्ड और बच्चों के क्यों इतना खुश और क्रिएटिव होने की खुली दलील है।